नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में। तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बजट को लेकर वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं, विभिन्न वामपंथी दलों के कार्यकर्ता यहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। किसान विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो वामपंथी दलों के कार्यकर्ता यहां पर बजट के विरोध में लामबंद हैं और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। सबसे तेज न्यूज पर अगर आपको तस्वीरें अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। विरोधी बजट वापस लो, वापस लो। धरना प्रदर्शन के दौरान दूसरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सुरक्षा के व्यवस्था को लेकर काफी चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ पर कलेक्ट्रेट पर जो वामपंथी दलों के कार्यकर्ता है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। वापस लो, वापस लो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वामपंथी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूर किसान विरोधी बजट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमने किया वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। किसानों नौजवानों से किया वादा पूरा करो, पूरा करो। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। दूरे का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा पूरा करो, पूरा करो, जन विरोधी बजट दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, जन विरोधी बजट दुरुस्त करो, दुरुस्त करो, जन विरोधी बजट को ठीक किया जाए। 2014 के चुनाव में किया वादा पूरा करें, पूरा करो, पूरा करो। 2014 में किया वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस प्रकार से सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हैं, वो ज्ञापन लेंगे। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से लाइव देख रहे हैं आप सबसे तेज न्यूज पर। 2014 का बजट जो पेश 18-19 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें हमारी वामपंथी दलों का कुछ सुझाव है, कुछ आपत्ति है। ये कि सबसे पहले ये कि 2014 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में, पूरा देश आसाम से पंजाब तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब जानते हैं, इन्होंने कहा था कि किसानों की फसल का 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि हर साल इस देश के बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार, ये सब आप जानते हैं, आपको क्या बताना है। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। तो आज हमारा ये ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति जी के नाम आपके माध्यम से हम इसको प्रेषित कर रहे हैं। ये कंपनी आप लें और तो आप देख रहे हैं जैसे आप लोग ये ज्ञापन सौंप रहे हैं सिटी मजिस्ट्रेट को, महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। अब आप तो सब कुछ है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, एसोसिएशन और AIPF, चारों संगठनों की तरफ से सूत्री जो मांग आपने प्रस्तुत किया है ये जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को प्रेषित करती है। सर, किस प्रकार का ज्ञापन मिला है आज आपको? जो ये वामपंथी दलों द्वारा दिया गया ज्ञापन जो है, महामहिम राष्ट्रपति जी को ये संबोधित ज्ञापन है। इनकी 6 सूत्री मांगे हैं, जैसा आपने अभी उन्होंने उल्लेख भी किया पदाधिकारी महोदय द्वारा, और ये ज्ञापन जो है उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया। धन्यवाद। ये उसी में एक सर एप्लीकेशन सप्लीमेंट्री है, उसी में लगा दिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सहित विभिन्न लोग तो तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। मोदी सरकार अपना वादा पूरा करे, मोदी सरकार अपना वादा पूरा करे, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा करो, पूरा करो, किसानों की उपज का 1.5 दाम देने का वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद, लाल झंडा जिंदाबाद। किस तरह का आज आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? आइए थोड़ा बजट, किस तरह से सर यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है और क्यों आखिर में क्यों? ये जो बजट पेश हुआ है संसद में, एक खबर आने के बाद तो बहुत उम्मीद थी कि देश के पूंजीपतियों पे सरकार कुछ दबाव बढ़ाएगी। 1% लोगों के पास देश की वेल्थ का 73% पहुंच गया और कॉरपोरेट टैक्स घटाया जा रहा है। मतलब साफ है कि देश के बड़े पूंजीपति जो ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, उन पर सरकार कोई दबाव नहीं डाल, और सारा बोझ आम जनता पर डाल रही है जो देश की पूंजीपतियों की मर्जी है। ये बजट पूंजीपति समर्थक है, इसलिए लाजमी तौर पर यह देश के आम गरीबों के खिलाफ है। ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे एक दर्शक है मोहम्मद, ईयर में इस प्रकार की बेहयाई कोई सरकार नहीं कर सकती, जो है सरकार। हमारे एक दर्शक है मोहम्मद आकिब सिद्दीकी, वो पूछ रहे हैं अगर आपकी सुनवाई जिले में नहीं होती तो क्या आप प्रदेश के मुखिया के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे या क्या करेंगे? ये हमारी कार्रवाई जिले की नहीं है, पूरे अखिल भारतीय है। तो आप देश के, देश के स्तर पर ये मांग उठ रही है और देश के पूरे हर जिले के अंदर आज वामपंथी पार्टियां, मजदूर, किसान इस सवाल पर अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। अब 12 तारीख को तो देश के पूरे 192 किसानों के संगठन ये धोखेबाजी के खिलाफ की, जो उन्होंने कहा कि 150% दाम हमने तय कर दिए हैं, ये झूठ जो संसद में बोला गया है उसका प्रतिकार करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे थे सीधी तस्वीरें, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वामपंथी दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ऐसे तमाम वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे तमाम वीडियो के देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सबसे तेज न्यूज़, ऐसे BSETEJNEWS को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे पेज को भी लाइक करें, फेसबुक पेज को लाइक करें सबसे तेज न्यूज़। आगे आपको अन्य वीडियो से रूबरू कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।